नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। डिवोर्स यानी विवाह विच्छेद कराने के दो तरीके होती हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है कंटेस्टेड पिटीशन के द्वारा लिया गया डिवोर्स। इस प्रकार के डिवोर्स में एक पक्ष डिवोर्स के लिए रेडी होता है और दूसरा पक्ष जो होता है वो डिवोर्स देना नहीं चाहता है। तो जो पक्ष डिवोर्स देना चाहता है वो पक्ष कोर्ट में किसी उचित आधार पे, ठोस आधार पे न्यायालय में केस करता है और अपने उस आधार को अपने साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध करता है। यदि जो पक्ष डिवोर्स देना चाह रहा होता है वो अपने सबूतों के आधार पे जो उचित आधार होता है डिवोर्स देने का उसे सिद्ध कर देता है, तो ऐसे में उसे डिवोर्स की डिग्री मिलती है। नहीं कर पाता है तो उसके केस को कोर्ट खारिज कर देता है। और जो दूसरा तरीका होता है डिवोर्स देने का वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है, यानी आपसी सहमति से लिया गया विवाह विच्छेद। इस प्रकार के डिवोर्स में दोनों पक्ष चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए और उनका जो विवाह है वो विच्छेदित हो जाए। यानी इस प्रकार के डिवोर्स में दोनों पक्ष जो होती हैं वो डिवोर्स के लिए रेडी होती है। तो ये बहुत आसान डिवोर्स देने की प्रक्रिया है। जो कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा जटिल होती है, काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। और लेकिन जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा आसान है, इसमें आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाता है। तो जो कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। एप्लीकेशन देने से लेकर जजमेंट आने तक जो जो भी प्रक्रिया होती हैं उन सारी चीजों को मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकती हैं और समझ सकती हैं कि आप किस प्रकार से कंटेस्टेड पिटीशन लगा के डिवोर्स दे सकती हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो डिवोर्स देने की सबसे आसान प्रक्रिया है जिसे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कहा जाता है, जिसमें दोनों पक्ष डिवोर्स के लिए रेडी होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन देने से लेकर जजमेंट आने तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने जुडिशरी एग्जाम को घर बैठे ही क्रैक करना चाहती हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अन अकेडमी के साथ। अन अकेडमी की मदद से आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अन अकेडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया जाने वाला है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर RJS एंड HJS मेंस एग्जाम, जिसमें आपके एजुकेटर होंगे सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैजान खान सर। और साथ ही साथ अन अकेडमी पे 9 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जिसमें आपको एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको CA 50% प्लस एडिशनल 10% ऑफ यूजिंग रेफरल कोड ऑन योर जुडिशरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जो भी सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं उनका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले ले और इस ऑफर का भी लाभ उठाए। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर आपको मिलता है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने पे भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को ले लें। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपसी सहमति से डिवोर्स दिया जाता है वो विवाह विच्छेद का सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि इस तरीके में दोनों जो पक्ष होते हैं यानी पति और पत्नी दोनों डिवोर्स के लिए रेडी होती हैं। तो ऐसे में कोई बाधा ही नहीं आती, कोई सबूतों का झंझट ही नहीं आता है, कोई लंबी प्रक्रिया भी नहीं चलानी पड़ती है। तो जो विवाह विच्छेद का म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स दिया जाता है वो सबसे आसान तरीका होता है और इसमें जो प्रक्रियाएं भी चलती हैं वो बहुत आसान होती हैं, काफी ज्यादा कम प्रक्रिया होती है, बड़ी आसान से आपको डिवोर्स मिल जाता है। तो देखिए, जो भी प्रक्रियाएं इस विवाह विच्छेद में होती हैं यानी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में जो प्रक्रिया चलती है उसको मैंने यहां पे लिख लिया है। अब मैं इसे आपको समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट मोशन होता है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है। तो देखिए, फर्स्ट मोशन जो होता है उसमें पति व पत्नी दोनों आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए एक साथ याचिका दायर करते हैं।
यानी सबसे पहले जो पति और पत्नी होती हैं वो याचिका दायर करती हैं कि उन्हें विवाह विच्छेद कराना है, वो चाहती हैं कि उनका विवाह विच्छेद हो जाए, और दोनों सहमति से दायर करती हैं, दोनों लिखित रूप में दायर करती हैं कि हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम विवाह विच्छेद चाहते हैं और इस कारण से हमारा विवाह जो है उसे विच्छेदित कर दिया जाए। जब ये याचिका दायर कर दी जाती है उसके बाद जो न्यायालय होता है यहीं पर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, यानी लिखित रूप में भी देती है, और उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट होती है यानी बयान होता है पति पत्नी दोनों का वो यहाँ पे दर्ज करा दिया जाता है, यानी लिखित रूप में भी ले लिया जाता है। तो पहले तो जो एप्लीकेशन होता है वो लिखित रूप में दिया जाता है, उसके बाद जो जज साहब होते हैं वो मौखिक रूप से भी उनसे पूछते हैं, हो सकता है जज साहब फिर इसे लिखित रूप में भी करें नहीं भी करें ये उनके ऊपर होता है। तो मौखिक रूप में जज साहब पूछते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है और ये होता भी है, लेकिन जो याचिका डाली जाती है वो लिखित रूप में डाली जाती है। तो सबसे पहले तो ये चीज हो जाती है जब याचिका दायर कर दी जाती है, जज साहब दोनों से स्टेटमेंट ले लेती हैं, उसके बाद जो जज साहब होते हैं वो फाइल को मीडिएशन में भेज देती हैं, यानी जो दूसरी प्रक्रिया आती है मीडिएशन की आती है। अब देखिए यहाँ पे 6 महीने का मीडिएशन का प्रोसेस बनाया गया है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता है। अगर न्यायालय चाहे तो 6 महीने के पहले ही डिवोर्स की डिग्री दे देता है, लेकिन नॉर्मली केस में मान के चलिए कि अगर आप भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने जा रही हैं, पति पत्नी दोनों नहीं चाहते हैं साथ रहना, तो भी ऐसे में आपको 6 महीना इंतजार करना ही पड़ेगा। भले से ही ये अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे न्यायालय हैं वो डिवोर्स इतना आसानी से नहीं देना चाहते हैं, वो एक प्रयास करना चाहते हैं कि घर बस जाए, इसके लिए वो लगभग 6 महीने का समय लगाते ही हैं और मीडिएशन का प्रोसेस रखते हैं। तो देखिए 6 महीने का यहाँ पे मान के चलिए समय जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि हो सकता है कि जो यहाँ पे याचिका दायर की गई है, मन बनाया है पति पत्नी ने डिवोर्स देने का, वो मन बदल जाए, हो सकता है कि फिर सब कुछ सही हो जाए, पति पत्नी साथ रहना शुरू कर दे, इसलिए लगभग यहाँ पे 6 महीने का समय दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये अनिवार्य 6 महीने नहीं होते हैं, अगर न्यायालय को लगता है कि 7 ही दिन में इनको डिवोर्स दे दिया जाना चाहिए, यानी फर्स्ट मोशन के बाद सेकेंड मोशन जो है वो 7 दिनों के अंदर ही कर देना चाहिए और विवाह विच्छेदित कर देना चाहिए, तो न्यायालय कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया होता यही है कि 6 महीने का न्यायालय समय लेता है और कहता है कि 6 महीने बाद ही हम डिवोर्स की डिग्री देंगे और 6 महीने मीडिएशन कराता है, 6 महीने इंतजार कराता है कि हो सकता है दिमाग बदल जाए। लेकिन फिर जब 6 महीने मान लीजिए बीत जाते हैं, उसके बाद नंबर आता है सेकेंड मोशन का। जो सेकेंड मोशन होता है इसमें पति और पत्नी से फिर से स्टेटमेंट लिया जाता है, दोनों का बयान दर्ज होता है। जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया कि जो बयान लिया जाता है हो सकता है उसे लिखित रूप में किया जाए, हो सकता है लिखित रूप में नहीं किया जाए, लेकिन सेकेंड मोशन में जो होता है पति और पत्नी अपना जब स्टेटमेंट देती है तो उसे मौखिक रूप में देती है, फिर उसे लिखित रूप में किया जाता है। तो सेकेंड मोशन में पति और पत्नी दोनों का जो स्टेटमेंट होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, और ये अनिवार्य होता है। यहाँ पे हो सकता है कि लिखा जाए, हो सकता है नहीं लिखा जाए, कोई अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि आपने लिखित रूप में दिया होता है, सिर्फ मौखिक रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है सेकंड मोशन में आप जो मौखिक रूप में बोलते हैं उसे लिखा जाता है। जब पति और पत्नी दोनों अपना स्टेटमेंट लिखवा देती हैं, यानी दर्ज करा देती हैं, उसके बाद जो न्यायालय होता है वो विवाह को विच्छेदित कर देता है, यानी डिक्री पारित कर देता है। इसमें न्यायालय के पास कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि न्यायालय इसको खारिज कर देगा। अगर सारी चीजें सही रूप से की गई है, जो नियम बना है उसके तहत की गई है, तो ऐसे में न्यायालय के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, न्यायालय को विवाह विच्छेदित करना ही पड़ता है। तो ऐसे में इस प्रकार से विवाह विच्छेदित हो जाता है। तो यही आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कराने की प्रक्रिया होती है। अब देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, यानी मान लीजिए जब विवाह विच्छेद हो जाता है तो क्या इसके विरुद्ध अपील भी किया जा सकता है? तो नहीं, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पति और पत्नी दोनों रेडी होती हैं, दोनों की सहमति के आधार पर ही न्यायालय जो होता है वो डिक्री पारित करता है, आदेश सुनाता है। तो ऐसे में इस डिक्री के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती है। बहुत लोग ऐसा डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो पत्नी है डिवोर्स लेने के लिए रेडी हो जाए, डिवोर्स की डिग्री मिल जाए और उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील कर दे। तो ऐसा नहीं है, इस डिग्री के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती है।
जब आपका विवाह विच्छेदित हो जाता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स से, तो ऐसे में उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो जाता है और उसके बाद यदि हम दूसरा विवाह करना चाहें तो वो कब कर सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन न्यायालय आदेश सुनाएगा, जिस दिन आपको विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान करेगा, उसके बाद जब चाहे तब आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं लगी है, किसी प्रकार की कोई कानून इसके लिए नहीं बनाया गया है। दोनों पक्ष रेडी होते हैं और इसी वजह से दोनों पक्ष का विवाह विच्छेद होता है और इसके बाद दोनों पक्ष जब चाहे तब अपना दूसरा विवाह कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कंटेस्टेड डिवोर्स में होता है कि आपको रुकना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में क्योंकि अपील की प्रक्रिया नहीं है, अपील का प्रावधान नहीं है, इसकी वजह से आप जब चाहे तब दूसरा विवाह कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो आशा करता हूं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको बताई, जो प्रक्रियाएं मैंने बताई, अन्य जो भी चीजें आपको बताई, वो अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। अब इसको लेके आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।